बाबा जी से आज सिर्फ मैंने एक बार कहा, बाबा जी यार आज बड़ी दिक्कत में हुई, ये काम को हल कर दो। पता नहीं बाबा जी ने सुन लिया या बाबा जी मेरे से मेरे कहने से पहले ही समझ के बैठे थे, तो तुरंत बाबा जी ने वो काम साथ में। बाबा जी ये दिख रहे हैं बाबा जी, बस मैं एक टी शर्ट पहन के लाया दिल में कि मेरे बाबा जी मेरे दिल में रहे। हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मुझे यार अचानक ना हल्द्वानी निकलना है, और अब भी जाना है मुझे हल्द्वानी, और किस काम की वजह से आना है आप ये पूरी वीडियो में देखेंगे। तो अब निकलते हैं हम लोग हल्द्वानी, और देख रहे हैं कि कोई गाड़ी आती है तो उसमें निकल जाऊंगा फटाफट, क्योंकि कल सुबह वापसी आना है। तो वापसी में आते वक्त हमारे पास गाड़ी है, तो इसलिए मुझे अभी कोई ना कोई गाड़ी देखनी होगी जिससे मैं हल्द्वानी टाइम पर पहुँच जाऊँ। तो देखता हूँ गाइज़ मुझे कोई गाड़ी मिलती है तो हल्द्वानी तक के लिए उसमें चले जाता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे रोड पर, और देखते हैं कोई ना कोई गाड़ी तो मिल ही जाएगी, क्योंकि अभी टाइम तो है ही। हमने वैसे 4 बजे तक पहुंचना है हल्द्वानी, तो उसके बाद देखते हैं, अगर कोई गाड़ी नहीं मिली तो एक प्रॉब्लम है, वैसे गाड़ी कोई ना कोई मिल जाएगी, देखते हैं कौन सी गाड़ी मिलती है। तो अभी टाइम हो रहा है 2:15, तो 2:15 हो गए हैं, अभी 10 मिनट मुझे यहाँ पर वेट करते हुए हो गए हैं, अभी तक कोई गाड़ी नहीं मिल रही यार। पता नहीं अगर गाड़ी लेट होगी तो मेरा तो पूरा प्रोग्राम डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि अब भी अचानक जाना पड़ रहा है मुझे हल्द्वानी। अभी कॉल आई और मैं तुरंत रेडी जाना है। अगर वापसी के लिए तो गाड़ी है, क्योंकि अपनी गाड़ी ले जाना बेकार है, फिर वापसी में फिर दो दो अलग अलग हो जाएंगे, तो इसलिए साथ आएंगे। तो वेट कर लेते हैं थोड़ी देर और, फिर देखते हैं, नहीं मिली तो फिर ले जानी पड़ेगी अपनी गाड़ी। टाइम हो गया 2:36, तो मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ यार, अभी तक कोई गाड़ी नहीं मिली। अब शायद एक गाड़ी की आवाज़ तो आ रही, कोई हॉर्न आ रहा किसी का, आ तो रही है, कोई ना कोई तो है। ओहो ये तो थोड़ा बाहर की गाड़ी है, ये ले जाएगी, ये इसका तो मुश्किल ही लग रहा, ये नहीं ले जाएगी, क्या पता ले जाए। ये हमें टाटा हैरियर मिल गया, टाटा हैरियर में बैठ के जाते हैं। आज जाने का कोई प्लान नहीं था हल्द्वानी, अचानक कॉल आ गई कि आज ही हल्द्वानी जाना है, और बाबा जी की कृपा से मैं रोड में आया तो 10 से 15 मिनट के बाद मुझे गाड़ी मिल गई, और सब बाबा जी कर रहे हैं, और बाबा जी की कृपा से कार्य सब सफल भी हो रहे हैं। बाबा जी करते हो कृपा, तुम मेरा नाम हो रहा है। तो यार ये टाटा हैरियर में आए, खूब मज़ा आया, और पहुंच गए अब हम लोग हल्द्वानी। अब इसके बाद जाते हैं मार्केट, पहले मार्केट का काम निपटाते हैं फिर निकलते हैं आगे। तो अभी मैं ऑटो में बैठ गया, और अब यहाँ से मार्केट, फिर मार्केट के बाद जिस मेन काम के लिए मुझे अर्जेंट निकलना पड़ा घर से, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको कि किस काम से मुझे अर्जेंट निकलना पड़ा। बहुत लेट हुई थी, वो तो ले आए मुझे, उन्होंने लिफ्ट दे दी हल्द्वानी तक के लिए, उनका थैंक यू। फिर मिलेंगे जल्दी से उनको, कभी ना कभी तो पक्का मिलेंगे यार। और आज जिस काम के लिए आए वो काम जल्दी से निपट जाए बस, और जिससे कि मैं वापस उनको आराम से जा सकूँ टाइम पर। चलो दोस्तों, मैं और विजय भाई पहुँच गए हैं मारुति सुजुकी के शोरूम। हेलो, और आपको भी नई गाड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम देते हैं। अरे आप बैठे तो आपकी गाड़ी अभी। तो अभी मैं और विजय भाई भी पहुंच गए हैं मारुति सुजुकी के शोरूम, और आज हमारी गाड़ी निकलने वाली है पार्टी का, तो एक अलग खुशी हो रही है मन में। और इस भाई ने ना इतनी देर कर दी ना, मन तो कर रहा है इसके दो लगाऊं, लेकिन सच में ये गाड़ी लेने में भी देर हुई है, वरना ये गाड़ी कब ले ली होगी। हाँ, तो और साथ में हमारे भाई भी हैं, ललित भाई आप वीडियो शूट कर रहे हैं, इनको भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सब कुछ। विमल दा अंदर है, चलो अब हम लोग चलते हैं शोरूम में। तो दोस्तों ये है हमारी गाड़ी, विजय भाई की वीडियोस बन रही है, देखो विजय भाई इस पर वीडियो बना रहे हैं। विजय भाई कैसा लग रहा फिर? मजा आ रहा। तो मैं दिखाता हूँ आपको पूरी गाड़ी, तो चाबी तो आ गई बाबा जी की गाड़ी है, और बाबा जी की जो गाड़ी में जो ड्राइवर रखे हैं हमने वो हैं, हेलो कर दो ड्राइवर साहब। ये ड्राइवर साहब है, और हम बाबा जी के भक्त हैं। तो बाबा जी ने दो लोगों को यहाँ पर अपॉइंटमेंट दे रखी है, एक मुझे और एक विजय भाई को, और बाबा जी ने एक भक्त और अपने साथ बना लिए हैं, वो हैं ललित भाई। खुश रहना हमेशा, ठीक है, हमेशा लाइफ में खुश रहना है, ज़िंदगी में अगर खुशियाँ हैं ना हर चीज़ हासिल कर सकते हो। तो अभी हम दोनों हैं मारुति को कैद कर लेना चाहता हूँ, ये कैद कर ले रहा हर चीज़ आज। तो अभी हम लोग हैं मारुति सुजुकी के शोरूम में, हमारी गाड़ी रेडी हो रही है, वो गाड़ी आपको हमने दिखा दी किस तरीके से रेडी हो रही है, और
क्या क्या चीज़ें उसमें जो यहाँ पर तैयार की जा रही है, उसमें एसेसरीज क्या क्या लग रही हैं, वो अभी हम आपको पूरी गाड़ी रेडी होने के बाद दिखाएंगे। और साथ में बाबा जी ये दिख रहे हैं बाबा जी, बस मैं एक टी शर्ट पहन के लाया दिल में कि मेरे बाबा जी मेरे दिल में रहेंगे। और सुबह जो आपने देखा ना, मैंने इस पर जो अभी फर्स्ट पार्ट डाल रखा है इस पर बाबा जी ही हैं। और बाबा जी से आज सिर्फ मैंने एक बार कहा, बाबा जी यार आज बड़ी दिक्कत में हूँ, ये काम को हल कर दो, पता नहीं बाबा जी ने सुन लिया या बाबा जी मेरे कहने से पहले ही समझ के बैठे थे, तो तुरंत बाबा जी ने वो काम हल कर दिया और मैं अब यहाँ हूँ। और जबकि मैं घर से तैयार होकर निकला था 2 बजे, रोड में कोई गाड़ी थी क्योंकि बस निकल गई थी बस, लेकिन बाबा जी ने गाड़ी भेज दी और वो भी अच्छी टाटा हैरियर जैसी गाड़ी भेजी हल्द्वानी तक के लिए। और हल्द्वानी तक का जो सफ़र रहा वो भी एकदम अमेजिंग रहा। अब चलते हैं नीचे गाड़ी पे हम लोग और आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी में क्या क्या एसेसरीज लग चुकी है और अभी क्या क्या लगनी है, तो मैं आपको पूरी वीडियोज़ में दिखाऊँगा, बने रहिए और बाबा जी का नाम लेते रहिए, काम होते रहेंगे आपके। तो गाड़ी रेडी हो गई है हमारी, अब उसके बाद मैं दिखाता हूँ इसमें क्या क्या एसेसरीज लगी है। एसेसरीज दिखाता हूँ मैं आपको, पहले खींचो क्लैंप लग गई इसमें यार, वीडियो से नहीं फोटो। फॉग लाइट, डोर वाइजर लग गए और व्हील कवर और ये स्पॉलर, इस पर छोटा स्कूलर आता है ये भी लग गया। और अंदर दिखाता हूँ अंदर आपको, ये सीट कवर लग गई है यहाँ पर, सीट कवर भी लग गए हमारे। और इसमें दिखाता हूँ आपको, बाबा जी विराजमान है हमारी गाड़ी में, तो ये है यहाँ पर इसकी स्क्रीन। तो ये सारी चीज़ें हमारी गाड़ी रेडी हुई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार अंदर से ना, एक जो फीलिंग सारी मज़ेदार, मन तो कर रहा है यार गाड़ी को उठा लो लेकिन उठा नहीं सकता, यही हमको उठाएगी। तो जितने ना डिजायर भी ली थी एक दिन इसी शोरूम पे और यहीं पर डिजायर ली थी, तब इतनी वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाई थी लेकिन आज वीडियोज़ बना रहे हैं भाई, आज मज़ा आ रहा है खूब ज़्यादा। ये हमारी गाड़ी पर एसेसरीज लगाने में लगे हुए हैं, इनका थैंक यू, बढ़िया करके लगाना ठीक है दादा भाई। अभी अच्छा ये सीट कवर लगा दिए ना, मैटिंग होगी, मैटिंग भी होगी, मैटिंग ऑन कर रहे हैं। अच्छा मैटिंग हो गई, चलो बढ़िया करके इसको कर दो सब। अभी हमारी गाड़ी पे एसेसरीज रेडी हो रही हैं और फुल एसेसरीज रेडी होने के बाद दिखाएंगे आपको पूरी गाड़ी की किस तरह से लग रही है। वैसे तो गाड़ी अर्जुन भाई कह रहे थे मैं तो खाली गाड़ी लेने तक का साथ में, उनका ये साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। अरे यार पता कितने बजे से वेट करा रखा है, मैं 4 बजे से वहाँ पर खड़ा हूँ, जल्दी चलना है करके आ रहा हूँ क्योंकि यार समय बड़ा बलवान है, अगर हम समय की कदर नहीं करेंगे ना तो समय हमारी कदर नहीं करेगा, याद रखना वर्मा जी। आज मुला को उठा दिया मैंने, को सब दीवा का भी सब तो उठा रखा है दादा, स्पेशलिस्ट है और खास करके हमारे इसको डालना पक्का है। हां विमल दा का तो खास कर धन्यवाद करेंगे, नहीं नहीं उठा रखा यार आपकी, आपने बोला था देखो हम लोग 5 बजे तक का ड्यूटी हो, अब हमारे आप दोस्त हैं, अब हमारे बड़े भाई हैं और सुनो गाड़ी आज की चाबी हम देंगे और गाड़ी आप रिसीव करोगे आज, अब मेरी बात तो सुनो, नहीं हम नहीं सुनेंगे आज ही, तो नहीं सुनेंगे और दिनों तक हम आप ही सुनते हैं। विमल दा बड़े हल्के हैं, बस खाए पिया करो। विमल दा हमारे साथ कुछ, विमल दा आज कुछ कहे कहीं से आएंगे, हम उनको चारों ओर से लेते रहेंगे, हमारा वो कोई ये दो हम उनको चारों ओर से लेते रहेंगे, बिल्कुल हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे आज उठा लिया वहाँ उठा लिया। और हम तो सोचा किडनैप कर लेते लेकिन करेंगे नहीं यार, सही रहा ना उठाने वाले और कर देंगे किडनैप। ये हमारा 36 नंबर यहाँ पर स्कैन किया गया है, पूरा स्कैन हो गया, स्कैन कर लीजिए और ये यहाँ पर एक नंबर, ये क्या है इंजन नंबर स्कैन हो गया है, चलो सब कुछ स्कैन हो रहा है सब कुछ सही तरीके से, तो इस पर बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ लगना है ठीक है। विजय भाई इस पर अभी क्या क्या लगना है, तुम्हें क्या क्या लग रहा है? अरे मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा था, मुझे तो अर्जुन भाई दिख रहे, आंटी का दिख रही, बाबा जी दिख रहे और भक्तों का प्यार दिख रहा है। तो जरा सही तो ये गाड़ी हमारी कैसी, पूरी गाड़ी चमक रही है यार। जय बाबा जी, जय नीम करोली बाबा जी, जय हो, जय गुरुदेव। एक दो फोटोज खींच देना हाँ, अरे भाई
क्या बात कर दी यार। सबसे पहले विमलदा ये शुगर के हैं, चार खिलाएंगे इनको आराम से। अरे विमलदा को बहुत बहुत बधाई, ये गाड़ी हम सब की है और उससे पहले विमलदा की है। हाँ। सबसे पहले तो विमलदा चाबी तो दो। अरे यार तुम चाबी, यार चाबी कहाँ ला रहे हो यार? मीठा करो यार, वो तो मीठा करो यार, चाबी उधर को ले जा रहे। थैंक यू। ए विमलदा को खिला रहा हूँ। विमलदा खाओ यार। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा ना विमलदा, यहाँ अगर जो भी इनका यहाँ पद हो वो एक अलग चीज है ना, और अगर बड़े भाई की बात करूँ ना, इन्होंने अपना छोटा भाई मान के रखा है यार, इसलिए हम यहाँ तक हैं। इसमें नाम तो लिख लेते यार मेरा। बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है। और सबको सबको मिठाई खिला, सबको खिलाओ, सबको खिला मिठाई। आराम से खाओ, दो दो खाओ, कोई दिक्कत नहीं। दो दो खाओ प्लीज यार, दो दो खाओ, कोई बात नहीं। और चार चार खाओ, एक और खाओ, आठ सब खाओ। बधाई हो सर, धन्यवाद भाई हमारे यहां पे। चलो वाले वाले और खाओ, और खाओ, और खाओ, और खाओ, और खाओ ये भाई। हां लो भाई, भाई फोन जेब में रख, दो के दो हाथ, ना ना दो के दो हाथ से, दूसरे हाथ से भी भाई, दूसरे हाथ से भी उठा, जल्दी उठा। तो अभी शाम के 8 बजने वाले हैं, शाम के 8 बजने वाले हैं। अभी हम हैं सुजुकी अरेना पे, ये देखिए सामने सुजुकी अरेना, और अभी हम लोग की गाड़ी रेडी होके यहाँ पर आ गई है। अब लोग हम लोग यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे अभी हम लोग अपने गुरुजी के पास, और सेकंड पार्ट में दिखाएंगे गुरुजी से मिले, किस किस से मिले, और कल का दिन कैसा रहा भाई, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये ललित भाई मुझे बार बार मिठाई खिला रहे हैं आज। बहुत बहुत बधाई है अर्जुन भाई को भी, ललित भाई को भी। पता है ये खुशी इसलिए नहीं हो रही कि ये गाड़ी आर्टिका ले रखी है, गाड़ी ये खुशी इसलिए हो रही क्योंकि ये बाबा जी ने गाड़ी दे रखी है। क्यों विजय भाई, क्या कहो यार, कसम से कसम, ये गाड़ी यहाँ देखो, ये गाड़ी किसकी है? ये सब बाबा जी की, आप लोगों की है, आप लोगों के लिए सेवा में, शुल्क है तो भी है, निःशुल्क है तो भी है। दिल से कह रहा हूँ मैं, दिल से। जय बाबा जी, जय बाबा जी। वीडियो करते हैं अभी आज एंड। मैं कुछ बोलूंगा यार अर्जुन, बोल दोस्तों प्लीज। जिंदगी में एक बात याद रखना कि अगर हम कुछ करने निकले हैं तो हमने कुछ नया करना है, तभी हम इतिहास रचेंगे। क्यों अर्जुन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग कहते हैं कि घर से मत निकलो, लोग तुम्हें गुमराह कर देंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि गुमराह तो वो लोग हुए जो घर से ही नहीं निकले। बिल्कुल, आपको घर से निकलना है और कुछ करने के लिए निकलना है। जो स्थिति आपकी इस वक्त है उस स्थिति को बदलना है। अगर मैं दो रोटी खाता हूँ तो मुझे एक ही रोटी खानी है, अगर मैं पांच रोटी खाता हूँ मुझे ढाई रोटी खानी है, ढाई रोटी बचा के रखनी है, उसका हमने यूज करना है। कहा जाता है कि अगर हम कुछ करेंगे, कुछ करने की सोचेंगे, सपने पहले तो सपने देखना है। मैंने जब ऑल्टो ली थी, जब मैं दूसरे के पास अर्टिगा देखता था ना, देखो नियत कहीं पर भी बदलती है, और कहते हैं ना कुछ बोलोगे तो करोगे। जब मैंने शुरू में बोला था कि मैं अर्टिगा ले रहा हूँ तो अभी भी लोग मुझे चिढ़ाते थे, कब आ रही है अर्टिगा? आ जा गई। चलो दोस्तों वीडियो रोड़ते हैं अभी यहीं पर समाप्त, और फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। और अभी गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। जय नीम करो रे बाबा जी, जय हो, जय गुरुदेव।